हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube ब्लॉग में। आप देख रहे हैं अपना ब्लॉग, अपने भाई का ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं, जो आप लोग बिल्कुल, अगर आप दुबई में आना चाहते हैं तो बिल्कुल बिंदास आइए। तो कोई भी आदमी आने से पहले ये सोचता है कि वहाँ पर जाऊँगा तो कितना खर्चा होगा, क्या होगा, कैसे रहना है, कहाँ जाऊँगा। तो इस सब चीज़ों का बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि एक महीने में कितना खर्च होगा यहाँ पर आकर जॉब ढूंढने में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ तो उसका अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ में वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो वीडियो में सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वीज़ा। वीज़े का दाम है 400 दिरहम। आप टूरिस्ट वीज़ा लीजिए, विजिट वीज़ा लीजिए एक महीने का, तो उसका दाम है 400 दिरहम। तो दोस्तों, 400 दिरहम आपका हो जाएगा वीज़े का। उसके बाद हो गया आपका टिकट का। तो टिकट का दाम है इस टाइम 700 दिरहम, जो इस टाइम सिचुएशन चल रहा है। इस टाइम थोड़े से महंगे टिकट हैं। वैसे भी आप अगर इस बीमारी के बाद में अगर आएंगे, ओमिक्रॉन जो बीमारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, इस थोड़ा सा टाइम के बाद आएंगे तो आपको थोड़ा सा और सस्ता टिकट मिल सकता है। तो इस टाइम, चलिए हम इसी टाइम का एस्टिमेट लेके चलता हूँ, उसका दाम है 700 दिरहम। तो 400 हो गया वीज़े का, 700 हो गया आपका टिकट का, 7×4 1100 दिरहम हो गया, जो इंडिया का मनी हो गया आपका 11×2 22,000 रुपया जो है कि इंडियन मनी हो गया। 400 जो है कि वीज़े का हो गया, इंडियन मनी 800, और पाकिस्तान का अपने अपने करेंसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सबका पता चल जाएगा। तो 1100 रुपया आपका वीज़ा और टिकट का हो जाएगा। अब बात रह गई ट्रेवल्स का, रहने का, खाने का। तो उन सब चीज़ों के बारे में अगर आप एयरपोर्ट के बाहर आइए, सबसे पहले एयरपोर्ट के बाहर आने आकर वहाँ पर बहुत सी सारी टैक्सियाँ लगी होंगी, बस लगे होंगे, चाहे शारजा उतरिए, अबू धाबी उतरिए, दुबई उतरिए, रासल खेमा उतरिए, हर जगह सिस्टम पूरा अच्छा बना के रखें। सब बस स्टैंड भी है, टैक्सी वाले सब कुछ है। तो अगर आप टैक्सी से ट्रेवल्स करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 10 दरहम जो है कि स्टार्टिंग में ही टैक्सी वाले को देना पड़ेगा। थोड़ा सा बैठ गए आप, आधे किलोमीटर गया, 10 दरहम 11 दरहम उसको जो है कि देना है। तो सबसे सस्ता यहाँ पर जो होता है बस का होता है। बस का एक कार्ड बनता है, सिल्वर कलर का होता है और एक गोल्डन कलर का होता है। गोल्डन कलर का जो होता है वो होता है जो VIP आदमी होते हैं उन लोगों के लिए। तो हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, तो नौकरी खोजने के लिए आ रहे हैं, तो हमको सबसे अच्छा पड़ेगा सिल्वर कार्ड, जो 25 दरहम का आता है और उसमें 20 दरहम बैलेंस मिल जाता है। उससे आप जो है कि मैक्सिमम 3.5 दरहम के खर्चे का उसका पड़ता है। आप 5 किलोमीटर जो है कि 3.5 दरहम के हिसाब से आप जा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट पड़ेगा आपको वही कार्ड बनवा लीजिए, सिल्वर कार्ड। अब ट्रेवल्स का तो ये हो गया। अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं, कहीं बहुत ही इमरजेंसी हो तभी आप टैक्सी का ट्रेवल्स करें तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। तो ये हो गया आपका ट्रेवल्स का। तो ट्रेवल्स का चलिए एक महीने के अंदर मैं मान लेता हूँ कि 80 दरहम, चलिए 70-80 दरहम आपका मंथली खर्चा आ जाएगा ट्रेवल्स का। बस से आप अगर आप ट्रेवल्स कर रहे हैं तो, अगर टैक्सी से करेंगे तो आप उसके हिसाब से ज़्यादा खर्चा होगा। तो 70-80 दरहम हो गया आपका ट्रेवल्स का खर्चा। अब उसके बाद अगर आप नौकरी खोजेंगे तो आपको नौकरी खोजने के लिए जो है कि नेट का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है कि MB इंटरनेट की जो सेवाएँ हैं बहुत महंगी हैं। वाईफाई तो लेकर घूमेंगे नहीं साथ में, तो आपको सबसे बढ़िया पड़ेगा आप जो सिम लिए हैं यहाँ का सिम ले लीजिए, वहीं पे 5 दरहम का सिम मिलेगा और उसमें जो है कि 10-15 दरहम बैलेंस डलवा दीजिए। और वहाँ पे जो है कि बहुत से ऑफर चलते हैं, उसमें आप MB बनवा लेंगे और जो है कि 3-4 पैसे फिक्स के हिसाब से आपका पूरा कटेगा। तो 20 दरहम मैक्सिमम मान लीजिए आपका MB का, 100 दरहम ये हो गया। तो आपका टोटली हो गया 700 टिकट का, 400 आपका वीज़े का हो गया, 1100 और 100 दरहम जो है कि आपका ट्रेवल्स और MB का हो गया, 1200 रुपया टोटली आपका हो गया। अब बात रह गई आपको रहने का और खाना का। तो रहने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है आप ना ही किसी होटल में जाएं
और ना ही किसी ऐसी जगह जाएं जहां पर आपका ज़्यादा पैसा खर्चा हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पे कहीं भी जाएंगे मार्केट या सुपरमार्केट या रेस्टोरेंट के सामने में बेड स्पेस करके आप एक नंबर लिखा होगा, जगह जगह पेपर पे चिपका रखे हैं सब, तो उस नंबर पे फ़ोन करिए। 24 घंटे का वो लोग लेते हैं 10 दरहम एक बेड का, तो आप महीने का 300 रुपया जो है कि रहने के लिए आप कहोगे 300 रुपया, तो सबसे बढ़िया है और सस्ता भी है। आप कहीं भी जाइएगा 10 दरहम लेते हैं सब 24 घंटे का, तो आपको एक महीने का ऐसे हो गया आपका 300 दरहम ये हो गया। अब बात रह गई खाने वाली, तो खाने के लिए अगर आप जॉब खोजने के लिए आ रहे हैं तो खर्चा कम जो है कि होगा खाने का, किस तरीके से कि अगर आप रेस्टोरेंट में जैसे होटल में खाना खा रहे हैं तो आपको महंगा पड़ेगा, 500 दरहम जो है कि 3 टाइम का खाना में मिलेगा। तो उससे सबसे बेस्ट उपाय है, यहाँ पे एक अफगानिस्तानी रोटी मिलती है 1 दरहम का, वो आप 1 दरहम का एक रोटी पकड़िए या 2 रोटी पकड़िए और 1 या 1.5 दरहम का सब्जी मिलेगा, तो 1 टाइम का आपका खाने का दाम हो जाएगा। समझ लीजिए कि 1 दरहम उसका हो गया और 2 दरहम सब्जी का, चलो 2 दरहम रोटी का हो गया, 1 दरहम 1.5 दरहम सब्जी का, 5 दरहम 1 टाइम का हो गया, तो 2 टाइम का खाना जो है कि आपको पड़ जाएगा 10 दरहम में, तो 300 रुपया जो है कि खाने का आपका हो गया। अगर आप होटल से लगा रहे हैं तो भी वही खर्चा आएगा, 250-300 एक टाइम का लेते हैं सब, तो आप अपने हिसाब से मेंटेनेंस करके, लेकिन हम तो कहेंगे कि सबसे सस्ता आपको पड़ेगा यही, जो 1 दरहम का रोटी लीजिए और 1 दरहम का सब्जी खाइए, बेस्ट है। तो एक दिन का खर्चा जो है कि 7 या 8 दरहम में आ जाएगा, चलिए 10 दरहम इसको, 300 रुपये मंथली इसको भी रख लीजिए, कैसे भी करके 300 रुपये आपको रखना ही पड़ेगा मेस का। तो ये हो गया आपका टोटल खर्चा, तो आपका टोटल खर्चा हो गया 700 रुपये आपका हो गया टिकट का, 400 हो गया बीजे का, 7 4 1100 हो गया ट्रेवल्स का, और MB का हो गया 100 दरहम 1200 रुपया हो गया, और उसके बाद हो गया आपका 300 रुपया बेड का, 1200-1500 हो गया, और उसके बाद आपका हो गया खाने का, तो 1500-1800 रुपया जो है कि दरहम आपको किसी भी हालत में जो है कि 1800 दरहम जो है कि लगना ही लगना है। आप बहुत ही समझ लीजिए कि नहीं होता है कि हम नमक चाट के जो अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा से शिक्षा दे रहे हैं, तो उसी तरह ये सेम सिस्टम है कि कैसे भी आप आएंगे 1800 दरहम जो है कि आपको लेकर आना ही पड़ेगा। और आप जो है कि कैलकुलेशन कर लीजिए, 18 दुनिया के 36,000 इंडिया का हो गया, और पाकिस्तान का, अपना बांग्लादेश का, कहीं का भी हो, किसी भी देश के हों, तो आपको अपने करेंसी के हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, मैक्सिमम खर्चा 1800 दरहम बिल्कुल आना ही आना है। तो आप आइए और जो है कि इस पूरा सिस्टम जो है कि कर लीजिए, उसके बाद आप आसानी से नौकरी खोज सकते हैं और बिंदास अपने जो है कि जॉब को सर्च करके आप काम कर सकते हैं। तो इतना ही आज की वीडियो में, इतना ही है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके पूछिएगा जो भी पूछना होगा। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोगों को इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।